की बार 60 पार, ये नारा तो याद होगा आपको, आपकी बार 60 पार। लेकिन इस नारे के पीछे की एक कहानी है, वो कहानी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी का ये नारा आपकी बार 60 पार, और इस 60 पार नारे का आज करेंगे रियलिटी चेक। देहरादून की सड़कों पर टटोलेंगे उस नारे की सच्चाई को, जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान और परेशान, क्योंकि आपकी बार 60 पार का नारा देहरादून की सड़कों से गायब हो चुका है। जी सही सुना आपने, देहरादून की सड़कों से आपकी बार 60 पार का यह नारा गायब हो चुका है। मैं इस वक्त हूँ राजपुर रोड पर। यह चमचमाती राजपुर रोड देहरादून के सियासी गलियारों के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि यहीं से एक रास्ता विधानसभा की तरफ कूच करता है और दूसरा मुख्यमंत्री आवास की तरफ। लेकिन आज देहरादून की सड़कों पर पोस्टर के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अबकी बार 60 पार का नारा गुम हो चुका है। तो चलिए मेरे साथ अबकी बार 60 पार नारे की पूरी कहानी आपको हम बताएंगे ग्राउंड जीरो से। मैं और मेरे सहयोगी सचिन दिखाएंगे आपको वो पोस्टर से गायब हुए अबकी बार 60 पार नारे की पूरी हकीकत और पूरी की पूरी दास्तान भी। मेरे दाएं तरफ पोस्टर, मेरे बाएं तरफ पोस्टर ही पोस्टर चश्मा है देहरादून की सड़कों पर। एक तरफ राजपुर रोड और दूसरी तरफ घंटाघर चौक, और यहीं से गुजरता है रास्ता विधानसभा का भी और मुख्यमंत्री आवास का भी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं पोस्टर्स की दास्तान। इस तरफ जाने से अच्छा यह है कि यहां पोस्टरों की पूरी संख्या है, पोस्टर दिखाते हैं आपको। और सचिन मैं चाहूंगा अबकी बार 60 पार का नारा देखिए कैसे पोस्टर से हो गया गायब, देखिए और समझिए। हर पोस्टर पर आपको दिखाई देंगे सीएम धामी, और सीएम धामी के साथ दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नारे हैं सुरक्षित रहेगा हर घर हर परिवार, जुड़े रहेंगे मोदी से उत्तराखंड के तार, उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार, किया है करती है करेगी सिर्फ भाजपा, सीएम धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब मेरे साथ आगे चलते हैं, आगे भी कुछ ऐसे ही दिलचस्प पोस्टर मैं आगे आपको दिखाता हूं, और पोस्टर देखकर आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि अबकी बार ये 60 पार का नारा इन पोस्टर से गायब कैसे हो गया। कुछ ही कदमों पर चलते रहिए तो आपको दिखाई देंगे और तमाम पोस्टर। ये पोस्टर वैसे अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल साहब का दिखाई देता है, लेकिन यहां दिलचस्प कहानी और पोस्टरों की भी है। वो पोस्टर मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और वो पोस्टर बेहद दिलचस्प इसी हो जाते हैं। कुछ ही कदमों पर आप आगे जाइए और एक पोस्टर और आपको दिखाई देगा, और वो पोस्टर मैं अपने सहयोगी सचिन से चाहूंगा कि जरा अब इस पोस्टर को भी दिखाइए। कुछ कदम दूर पोस्ट ऑफिस के सामने ही एक पोस्टर और सीएम धामी का दिखाई देता है, और यह पोस्टर भी ऐसा ही है जैसे कि पिछला पोस्टर था। अब इस पोस्टर से भी आपकी बार 60 पार का नारा गायब है। यहां पर सरकार की उपलब्धियां हैं, नारी सम्मान के साथ खड़ी है भाजपा, किया है करती है करेगी सिर्फ भाजपा, उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार, नंदा गोरी योजना, महालक्ष्मी योजना से महिला सशक्तिकरण। तो ये पोस्टर है, इन पोस्टर की दास्तान को आगे और देखिए कुछ कदम पर। 1 2 3 4 5 6 एक पोस्टर और ये देखिए, ये पोस्टर देखिए। अब इस पोस्टर पे भी वही जो पुराना था, अब ये युवा नेतृत्व की बात है और युवाओं की कहानी दास्तान बताते हुए, लेकिन यहाँ से भी अब की बात 60 पार गायब। अब देखिए एक और कहानी, अब इस पोस्टर में भी देखिए, यहाँ पर जो है ये पोस्टर दिखाता है राजपुर रोड पर ये आउटसाइड सचिवालय, ये जो है बस स्टैंड है, और इस बस स्टैंड के ऊपर भी एक पोस्टर चस्पा है। लेकिन इस पोस्टर में एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाई देगी, और ये तस्वीर खास तौर पर आकर्षण का केंद्र क्यों बनी हुई है, और मैं अपने सहयोगी सचिन से चाहूंगा जरा वो मोदी जी की तस्वीर दिखाइए, केदारनाथ वाली, केदारनाथ का भव्य पुनरुद्धार। और ये तस्वीर जो है आपको याद होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री गुफा में गए थे केदारनाथ की, तब उस वक्त की वो तस्वीर है। वो तस्वीर सचिन एक बार प्लीज दिखाइएगा, वो तस्वीर बेहद दिलचस्प है, और आपको ऐसी ही तस्वीरें पोस्टर्स में दिखाई देंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धामी दिखाई देंगे, और यहां पर ही यही पोस्टर केदारनाथ का भव्य पुनरुद्धार। तो ये पोस्टर्स की कहानी आप देख रहे हैं, अब की बार 60 पार मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। अब आगे कोशिश करता हूँ, आगे एक और मुख्य चौराहे पर चलते हैं और देखते हैं अब की बार 60 पार का पोस्टर मिलता है या फिर नहीं। चलिए मेरे साथ। तो ये है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड। राजपुर रोड के आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हमने कुछ और पोस्टर टटोले, अब पोस्टर आपको दिखाते हैं। एक पोस्टर राजकीय जो बालिका इंटर कॉलेज है उसके बिल्कुल साथ में है, और ये पोस्टर भी वही है जो पहले का पोस्टर हमने आपको दिखाया था। इसमें भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी दिखाई देते हैं, और इन पोस्टर की दास्तान में बेहद दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर तमाम चस्पा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन अब की बार 60 पार का नारा इसमें है या फिर नहीं, आइए जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब की बार 60 पार का नारा गायब कहाँ हो गया। आइए जरा मेरे साथ आपको और भी पोस्टर आगे दिखाते हैं, इसी रोड पर तमाम पोस्टर चस्पा है, उन पोस्टर की दास्तान भी दिखाते हैं कि कहाँ गायब हो गया अब की बार 60 पार। देखते रहिए पोस्टर, ढूंढिए अब की बार 60 पार कहाँ है, 60 पार दिखाई नहीं दे रहा।
इस बार भी सीएम धामी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं हर पोस्टर पर। पोस्टर देखते रहिए, पोस्टर एक, पोस्टर दो, इसी पोस्टर के साथ एक और पोस्टर आपको दिखाई देगा, पोस्टर नंबर तीन। और जहां तक देखेंगे, जो भी पोस्टर आप देखेंगे, अब की बार 60 पार का नारा ना जाने कहां गायब हो गया इन चमचमाती सड़कों से। ये सड़कें जहां से संदेश जाता है सियासी नजरिए से, लेकिन ना जाने वो कहां मिलेगा पोस्टर, जिस पोस्टर की है हमें भी तलाश, अब की बार 60 पार। आइए जरा टटोलेंगे आगे भी इन्हीं सियासी गलियारों की तरफ रुख करने वाली उन सड़कों का, जो कि बताएंगी कि अब की बार 60 पार का नारा कहां गायब हो गया। तो ये दिलाराम चौक है और यहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, ऐसे में कुछ पोस्टर दिखाई दिए, वो दिलाराम चौक पर पोस्टर हम आपको दिखाते हैं। और मैं चाहूंगा सचिन से, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है लेकिन पोस्टर तो गाड़ी से हम दिखाई सकते हैं, जरा पोस्टर देखते हैं। यहाँ पर हमें तमाम राजनीतिक दलों के पोस्टर दिखाई दिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है, अरविंद केजरीवाल का, इसके साथ पोस्टर है गणेश जोशी जी का, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अगला पोस्टर है कांग्रेस का, यहाँ भी गायब है, अब की बार 60 पार, क्या पता आगे मिल जाए। लेकिन ये क्या, बीजेपी के इस पोस्टर पर भी नहीं है अब की बार 60 पार, यानी कि अब की बार 60 पार ढूंढना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हर पोस्टर को हम खंगाल रहे हैं लेकिन अब की बार 60 पार ना जाने कहां गायब है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता अब की बार 60 पार बीजेपी के दफ्तर के बाहर मिल जाए। कोशिश करते हैं, देखते हैं देहरादून की सड़कों पर अब की बार 60 पार ढूंढ तो लेंगे, ढूंढेंगे ना। चलिए, तो एक पोस्टर की तलाश में घंटों बीत गए लेकिन वो 60 पार का नारे वाला पोस्टर देहरादून की सड़कों पर दिख नहीं रहा। अब हम आ पहुंचे हैं परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड ये ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों की रैलियां होती हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, सबकी रैली होती है। लेकिन परेड ग्राउंड के साथ में है बीजेपी महानगर का कार्यालय, उम्मीद है कि यहां पोस्टर मिल जाएगा अब की बार 60 पार, याद है ना, जिसे हम घंटों की मशक्कत से ढूंढ रहे हैं सड़कों पर, तमाम पोस्टर मिल गए लेकिन अब की बार 60 पार का पोस्टर नहीं मिला। देखिए यहां देखते हैं, और ये है बीजेपी का महानगर कार्यालय, और ये चुनावी कार्यालय चुनावी रंग में रंगा हुआ है, चारों तरफ बीजेपी के झंडे ही झंडे हैं, कमल का फूल दिखाई दे रहा है, तमाम पोस्टर लगाए हुए हैं, मोर्चा अध्यक्ष से लेकर कार्यालय भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून, और यहाँ पर पोस्टर 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 यहाँ भी नहीं है पोस्टर जनाब, यहाँ भी अब की बार 60 पार का पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये गया कहाँ पोस्टर, नारा है अब की बार 60 पार लेकिन वो 60 पार वाला नारा दून की सड़कों से गायब, महानगर कार्यालय से गायब, हो सकता है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तो पक्का होगा, वहां भी टटोलेंगे, वहां भी तस्वीर देखेंगे, लेकिन कुछ और सड़कों में खाक छान लेते हैं, क्या पता मिल जाए वो एक अलग पोस्टर जिस पे लिखा हो अब की बार 60 पार। तो चलिए देखते हैं अगली एक और मंजिल जहां पर दिखे अब की बार 60 पार। तो महानगर कार्यालय के बाद अब हम आ पहुंचे हैं चक्राता रोड पर, ये चक्राता रोड है जनाब, चक्राता रोड की खासियत यह है कि यहीं से ही यमुना कॉलोनी है जहां पर मंत्रियों का आवास है, सरकार बनती है और इसी रास्ते से मंत्री जो है वो अपने आवास की तरफ जाते हैं, यही मंत्रियों का आवास भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चक्राता रोड पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, यहाँ पर पोस्टर का भंडार ही भंडार है, यहाँ पर तमाम पोस्टर आपको दिखाई देंगे, उम्मीद है कि इन तमाम पोस्टरों में एक पोस्टर जरूर होगा, वो पोस्टर होगा आपकी बार 60 पार, जिसे हम पिछले कुछ घंटों से देहरादून की सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर पोस्टरों की है और तमाम राजनीतिक दलों के पोस्टर जप्पा है, बीजेपी के भी पोस्टर है और इन पोस्टर में जरूर वो पोस्टर हमें मिल जाएगा जिस पोस्टर की तलाश हमें बेसब्री से है अब की बार 60 पार। आइए जरा इस पे खोजते हैं कि क्या चक्राता रोड पर हमें दिखाई देंगे वो अब की बार 60 पार के पोस्टर। चलिए मेरे साथ अब देखते हैं चक्राता रोड का भी हाल। तो चक्राता रोड पर भी पोस्टर लगे हुए हैं, झमाझम पोस्टरों की बरसात है, लेकिन इन पोस्टरों के साथ वो तमाम पोस्टर जिसकी तलाश है वो पोस्टर अभी भी गायब है। चक्राता रोड पर आप देखेंगे एक और पोस्टर मैंने देखा, ये सीमा सुरक्षा रहेगी ऐसे ही बरकरार, जुड़े रहेंगे मोदी से उत्तराखंड के तार, उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार, किया है करती है करती करेगी सिर्फ भाजपा, यानी पोस्टर अब की बार 60 पार। आगे देखते हैं 60 पार, देखिए सचिन क्या पता अगला पोस्टर आपको दिखाई दे, उस दूसरी तरफ देखिए वो पोस्टर दूर तक पोस्टर ही पोस्टर है, लेकिन अब की बार 60 पार पोस्टर कहां गायब है ये कोई नहीं जानता, कहां गया पोस्टर अब की बार 60 पार। ये यमुना कॉलोनी की तरफ, यानी कि जहां पर सारे मंत्री रहते हैं उनके आवास की तरफ ये रास्ता जाता है, लेकिन अब की बार 60 पार का पोस्टर गायब। उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम चार काम, ये है कांग्रेस की अपनी बात, कांग्रेस का भी पोस्टर है, बीजेपी का भी पोस्टर है, आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर है, मगर अब की बार 60 पार यहां भी गायब है।
तो चलिए देखेंगे आगे कि आखिरकार कहां मिलेगा आपकी बार 60 पार। ये तो है चक्राता रोड का हाल, पल पल हर पल कहां है आपकी बार 60 पार। चक्राता रोड पर तो वैसे तमाम पोस्टर आपको दिखाई दे जाएंगे, बीजेपी के वही नारे वही सब कुछ, लेकिन एक पोस्टर ने मेरा ध्यान काफी आकर्षित किया। वो पोस्टर बेहद शानदार है, चक्राता रोड पर एक और पोस्टर आप ध्यान से देखिएगा, ये पोस्टर बेहद शानदार। आइए जरा सचिन इस पोस्टर को देखने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं दर्शकों को ये पोस्टर कितना दिलचस्प पोस्टर है। आप देख रहे होंगे कैसे केदारनाथ की गुफा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस गुफा वाले पोस्टर को कितने शानदार अंदाज से बीजेपी ने चस्पा किया है। चमचमाती हुई सड़कों पर यह पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री हैं गुफा में बैठे हुए, केदारनाथ की तस्वीर, साथ में सीएम धामी और पीएम मोदी। यानी कि इस पोस्टर के जरिए भावनात्मक संदेश हिंदुत्व का देने की कोशिश भी भाजपा कर रही है, मगर अब की बार 60 बार वो भी गायब है, लेकिन गुफा में देश के प्रधानमंत्री जरूर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के इन पोस्टरों में। नारों से ना चुनाव जीते जाते हैं और ना ही हारे जाते हैं। नारे नारे, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, काम किया है काम करेंगे। नारे दरअसल चुनाव में माहौल बनाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, और भाजपा हमेशा नैरेटिव सेट करके चुनाव को लड़ती है। लेकिन जो नारा खुद बीजेपी के घर के भीतर बड़े नेताओं ने दिया, वो नारा देहरादून की सड़कों से गुम क्यों हो गया? इन्हीं नारों के सहारे भाजपा अब की बार 60 पार कदम भर रही थी, लेकिन पोस्टरों से अब की बार 60 पार कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसके मायने और संदेश क्या हैं? इसके भीतर छिपा है एक बड़ा संदेश। फिलहाल मुझे तो देहरादून की सड़कों पर कहीं अब की पार 60 पार का नारा नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर आपको दिखाई दिया हो इन्हीं देहरादून की सड़कों पर, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजिएगा जगह, मैं पहुंचूंगा वहां पर और देखूंगा क्या वाकई में अब की बार 60 पार है उन पोस्टरों में नारों में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मेरे सहयोगी सचिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।